हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी विद सॉल्यूशंस। आपके लिए लाए हैं सॉल्यूशंस 8.2 एक्सरसाइज के, जो कि है 9th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टेट बोर्ड वाला, महाराष्ट्र बोर्ड का। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। ओके, सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टेबल रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग टू रेशियोज इन द कॉलम एंड कम्प्लीट द टेबल। सो गाइस, हमें ये एक हमारा टेबल है 1, 2, 3। हमें इन तीनों में से एक रेशियो दिए वाला है, जैसे कि फर्स्ट है कॉस थीटा का 35/37, और हमें इसके मदद से साइन थीटा और टैन थीटा का निकालना है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या थे गाइस? फॉर्मूला वे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा वॉज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपने मेरा पहला बेसिक का वीडियो और एक्सरसाइज 8.1 देखा होगा तो आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा, और नहीं भी देखा होगा तो अब भी जाके देख लो और उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि अगर वो वाला वीडियो आया तो ही ये वाला वीडियो क्लियर होगा। ओके, सो चलो हम 8.2 एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। सो ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हम लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 35/37। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लिख सकते हो, नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा गाइस, और अगर आपको लगता है कि यार हमें सब फॉर्मूलेस पता रहने चाहिए और हमें इस एक्सरसाइज का भी बेसिक सीखना है, तो आप मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वो वीडियो भी लेके आपके लिए आ जाऊंगी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल देंगे 35/37, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे इज इक्वल्स टू 1। नाउ गाइस, अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, तो इधर जाके वो हो जाएगी माइनस में। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 35/37 एंड इट्स होल स्क्वायर। ओके, सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमारे स्लाइड पे आएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 37 का स्क्वायर होता है 1369। अब ये इधर जाके होगा गाइस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1369 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1369 माइनस 1225 अपॉन अगेन वही वैल्यू 1369। इन दोनों का माइनस कितना होगा गाइस, इन दोनों का माइनस होगा 144 अपॉन 1369। अब 144 किसका स्क्वायर है, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपको इतना तो आना ही चाहिए। 1 अगर हम यहाँ पे कह दें कि टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमें इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, एंड 1369 हमने किससे निकाला, 37 से। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12/37। ये इतना इजी था गाइस। तो अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, अब हम ढूंढेंगे टैन थीटा की वैल्यू। चलो टैन थीटा की वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड में ढूंढते हैं। सो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी गाइस, 12/37, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास उन्होंने कितनी दी थी, 35/37। ये हमें टेक्स्ट बुक में दिया था और ये हमने ढूंढा था। नाउ 37 सिमिलर नंबर्स है तो वो कट हो जाएंगे। हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू क्या आई है गाइस, 12/35। अब आप मुझे इसमें बोलो कि ये कुछ भी हार्ड है नहीं, सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड इज टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अप ऑन कॉस थीटा। ओके गाइज, नाउ
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दी है वैल्यू साइन थीटा की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? 11/61। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन रखिए और मेरे साथ ही नोट डाउन कीजिए, मतलब आपको समझ जाएगा। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1। अब हमें sin square theta की वैल्यू मिल गई है, क्या है 11/61 का होल स्क्वायर प्लस cos square theta is equals to 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इधर जाके नेगेटिव, तो हम लिखेंगे cos square theta is equals to 1 minus 11/61 का होल स्क्वायर। Now, what is 11 square? 121। और 61 का स्क्वायर क्या है गाइस हमारे पास? 3721। ये है हमारे पास 61 का स्क्वायर। इसकी बात के स्टेप मैं इस साइड करती हूँ, इसकी बात की स्टेप क्या हो गई गाइस? ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3721 इंटू 1 इज 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। So, ये क्या हो जाएगा गाइस, 3600 अपॉन 3721। नाउ 3600 किसका स्क्वायर है गाइस, 60 का। ये स्क्वायर्स आपको लर्न करने होंगे। और 3721 किसका स्क्वायर था, 61 का। तो हमें cos square theta की वैल्यू क्या मिल गई है गाइस, 60 अपॉन 61। लेट मी राइट इट नीटली नाउ। नाउ हमें cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, 60 अपॉन 61। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा की वैल्यू। अब tan थीटा की वैल्यू तो बहुत इजी है, सिर्फ कट करना रहता है। क्या फॉर्मूला था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या थी, 11 अपॉन 61। cos थीटा की वैल्यू क्या मिली, 60 अपॉन 61। 61 से 61 हो गया कट। हमें tan theta की वैल्यू क्या मिली, 11 अपॉन 16। इज इट हार्ड गाइज? नो, इट इज वेरी इजी। ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ना थर्ड क्वेश्चन में हमें tan theta दिया है। अब आप बोलोगे ये कैसे करें, तो यार दीदी के पास हर सॉल्यूशन है, तो चलो tan theta की वैल्यू लिखते हैं। tan theta इज इक्वल्स टू 1। ना अब हमें tan theta का फॉर्मूला तो पता है, sin theta अपॉन cos theta, ओके? सो इसको हम क्या लेंगे, 1/1, क्योंकि tan theta की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम sin theta को भी क्या बोल देंगे, k बोल देंगे, कांस्टेंट, ओके? एंड cos theta को भी हम क्या बोल देंगे, k, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद हमें फॉर्मूला तो पता है sin theta और cos theta का, क्या था, sin square theta plus cos square theta is equals to 1। ओके, सो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या थी, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। k स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने क्या ली थी, k और k। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने क्या लिया, k स्क्वायर और k स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? नाउ 2k हो गए तो 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इधर ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके ये किस में जाएंगी, डिवाइडेशन में। ये सब पार्ट्स तो आपको पता है ना गाइज, सो ये। उसके बाद k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे जो 2 था वो हमने डिवाइडेशन में ला लिया, सो ये हो गया k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। अब अगर हम यहाँ का स्क्वायरिंग निकाल ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है नहीं, तो हम इसको, हमने इसको क्या दे दिया, स्क्वायर रूट। तो हमें k की वैल्यू पता चल गई। अब k की वैल्यू पता चल गई तो साइन की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा क्या था हमारे पास, साइन थीटा वॉज k, एंड k क्या है, 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/√2। एंड cos थीटा की वैल्यू क्या ली थी हमने, k ली थी, तो k की वैल्यू क्या है, अगेन 1/√2। तो cos की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/√2। आपको सबको समझ गया? इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1/2 होल रूट, अदरवाइज 1 को साइड में निकाल के 1/√2। दोनों भी आंसर अगर आपने लिखे तो आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपके टेक्स्ट बुक पे ऐसा आंसर दिया हुआ है, सो मैं आपको बाद में ऐसे लिख के बता दे रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ,
यस दीदी, हमें क्लियर हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। ओके, नेक्स्ट गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ में हमें वैल्यू दी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब 1/2। अब वापस हम वही फॉर्मूला लेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन की वैल्यू तो हमें दी हुई है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा 1। दीदी ने बोला था इधर वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो हम भी वही करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 4 इधर 1 से जाके मल्टीप्लाई, 4 1 4 - 1 अपॉन इधर लिखती हूँ 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 - 1 अपॉन 4। मैंने आपको फिर से करके बता दिया। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 - 1 कितना होता है गाइस? 3, 3/4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, आप पूरा लिखना, मुझे जगह नहीं थी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3, क्योंकि 3 का कुछ स्क्वायर नहीं होता है, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। इज इट क्लियर गाइज? यस दीदी। नाउ कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा तो हमें दिया हुआ था, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था दीदी ने? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरी गुड। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी थी हमें? हाफ। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? √3/2। 2 से 2 गया, टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। वाव, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। वापस हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे दीदी को तो बहुत मजा आ रही है। हाँ यार, इतने इजी समझे ना कि मजा आ रही है बहुत ज्यादा, आपको भी आएगी। एक बार बस देख के दीदी का वीडियो प्रैक्टिस कर लो, बस इसके बाद तो जिंगा लाला है। इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या थी वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस की वैल्यू हमें क्या थी? 1/√3 का स्क्वायर। अब मुझे आप बोलो 1 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 1। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? एक बात याद में रखो, जब भी ऐसा कोई आएगा इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाएगा, मतलब वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी? सिर्फ 3। मतलब मुझे एग्जांपल देने दो आपको, अगर मैंने आपको दिया √2 का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा और आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 2। अगर मैंने आपको दिया √2 2 1 का स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 2 2 1। इज इट क्लियर? ओके, सो मुझे ये पहले रफ करने दो क्योंकि अपने को स्लाइड लगेगी पूरी। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा लोग। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये जो 3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 3 3 - 1 अपॉन 3। 3 - 1 कितना होता है? 2 2/3। अब इसका हमें क्या लेना है? यहाँ पे क्या दिया है? साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, आप फुल फॉर्म लिखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है तो 4 का √2 में कन्वर्ट होगा, पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो √2 होगा, और 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो √3 होगा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? √2 अपॉन √3। अब हमें कॉस थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा हमें मिल गया, अब हम फाइंड करेंगे सबसे इजी पार्ट जो कि है टैन थीटा। नाउ व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? √2 अपॉन √3। कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या दी थी?
वन बाय रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री गायब, नीचे है वन तो हम उसे गिनते नहीं है, तो हमें टैन थीटा की वैल्यू क्या मिली, रूट टू। इज इट क्लियर? यस। अगर अभी तक आपको सारे सम्स क्लियर है ना, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ वन, एंड दैट इज टैन थीटा इज इक्वल्स टू 21/20। अब ये क्वेश्चन फिर से उस क्वेश्चन जैसा है जहां पे टैन थीटा की वैल्यू हमें क्या दी थी, वन दी थी। अब इस क्वेश्चन में हम फिर से साइन को क्या पकड़ेंगे, याद करो याद करो, साइन को हम पकड़ेंगे के, और कॉस को भी हम पकड़ेंगे के, पर यहाँ पे बस फर्क इतना होगा वहां पे वन था इसलिए वन के पकड़ा था, यहाँ पे हम पकड़ेंगे साइन को 21 के एंड कॉस को हम पकड़ेंगे 20 के। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि टैन की फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन को क्या मिलेगा 21, कॉस को क्या मिलेगा 20। हो गया अब क्लियर? कंफ्यूजन मत करो, अच्छे से समझ के लो। अब हम फॉर्मूला डालेंगे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, दोनों की वैल्यू डाल दो, 21 के स्क्वायर प्लस 20 के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, अब यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू नहीं देयर फॉर देंगे, एक लाइन में कभी भी सेम सेम लाइन में कभी भी दो इज इक्वल्स टू नहीं होते गाइस, इतना याद रखो। तो 21 का होल स्क्वायर हमें क्या मिला, 441 का स्क्वायर, और के का स्क्वायर वैसे के वैसे, प्लस 20 का स्क्वायर क्या है 400, और के का स्क्वायर क्या है के स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे क्या आएगा, 841 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब ये वैल्यू इधर किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके किस में आएगी, डिविजन में, तो चलो उसे डिविजन में डालते हैं। क्या था हमारे पास, 841 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन 841। ओके, अब 841 अगर हम यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये स्क्वायर हटाना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, चलो दीदी ने आपके लिए पूरा लिख दिया। अगर हम बोले कि हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा गायब, और यहाँ पे आएगा वन का तो वन ही होता है, 841 किसका स्क्वायर है, 29 का, तो हमें के की वैल्यू क्या मिल गई, इजीली 29। अब साइन थीटा की वैल्यू इससे हम फाइंड करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 21 के, मतलब 21 × k की वैल्यू कितनी है, 29 इज इक्वल्स टू 21/29। कैसे, 21 × 21 और 29 एज इट इज यहाँ पे आ गया, तो साइन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 21/29। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये तो आप फाइंड कर ही सकते हो, 20 k इज इक्वल्स टू 20 × k की वैल्यू क्या थी, 1/29, तो हमें क्या मिल गई, 20/29। ओके, क्लियर है गाइस? उसके बाद नेक्स्ट सम, हम ना आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन ही बहुत ज्यादा बड़ा है, सो हमारे सिक्स्थ हो गया है, हम सेवेंथ लेंगे, सेवेंथ इज अगेन टैन थीटा। गाइस क्या आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा सिक्स्थ क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ क्या वैल्यू है, 8/15। ओके, 8/15, चलो मैं आपको कर देती हूँ, नहीं करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है साइन, ये क्या है कॉस, दोनों को क्या पकड़ना है हमें, साइन इज इक्वल्स टू, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8 के पकड़ो, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15 के पकड़ो, देन अपने फॉर्मूलाज लगा लो और देन आंसर फाइंड कर लो। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, और जो भी बताएगा उसे एक इनाम मिलेगा, इनाम क्या होगा वो मैं आपको अभी नहीं बता रही, पर इनाम जरूर मिलेगा। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 8th क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अब इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए है ना, और इतना अच्छे से आपको समझा दिया है, कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा ना, तो अभी तक आपको समझ गया होगा, और आप बोल रहे हो कि दीदी आपका वीडियो मैं पॉज करता हूँ और खुद से ही मेरे सारे सम्स कर लेता हूँ, इतना तो होशियार मैं हो ही गया हूँ, राइट? तो चलो
पर जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं करती हूँ. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला हमें पता है. साइन की वैल्यू हमें दी है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ 3/5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9 एंड 5 5 25. वैल्यू हमें मिल गई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ इधर ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इधर जाके हो जाएगी नेगेटिव में, तो हमें मिलेगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 25. दीदी ने बोला था इधर जाके होता है मल्टीप्लाई, तो हम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 1 25 माइनस 9 अपॉन 25. ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, माइनस करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 होता है अपॉन 25. इसके बाद हम लेंगे, हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट. ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा. कॉस थीटा स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4/5. अब इससे ही हम टैन की वैल्यू फाइंड करेंगे. टैन क्या, टैन का फॉर्मूला दीदी ने क्या बोला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो साइन की वैल्यू हमें क्या दी थी, 3/5. कॉस की वैल्यू हमें क्या मिली, 4/5. 5 से 5 गया कट के, हमें वैल्यू क्या मिली, 3/4 टैन थीटा की. ओ माई गॉड, कितना इजी क्वेश्चन था. ओके, नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है. लास्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं आपको कर देती हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन के वैल्यू रूट में आई है. सो 9th क्वेश्चन इज टैन थीटा इज इक्वल्स टू, यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे भी हैप्पी कर दो, ऐसे ही आपके लिए नए नए एक्सरसाइज लाती रहूंगी. ओके, सो टैन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/2√2. अब जब भी ऐसी वैल्यूज हमें मिलती है तो हम एक को पकड़ते हैं साइन, दूसरे को पकड़ते हैं कॉस. ओके, तो हमें साइन की वैल्यू क्या मिल गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 के एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2√2 के. ओके, 2√2 के मिल गई. इसके बाद हम हमारा फॉर्मूला लगा देंगे ऑलवेज जैसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड थीटा दे दो, इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट लाइन लेती हूँ, क्या आ जाएगा फिर हमारा, साइन क्या था हमारा 1k था, मतलब क्या सिर्फ k का स्क्वायर, प्लस कॉस क्या था हमारा 2√2 का k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. k का स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा गाइस, 4. रूट टू का स्क्वायर मैंने क्या बोला था, रूट टू और स्क्वायर कट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2, और यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आएगा के स्क्वायर. 4 2 सा कितना होता है गाइस, 8, और के स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 1 + 8 कितना होता है, 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके आ जाएगा डिविजन में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9. अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 का क्या होता है, 1. 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3, मतलब 1/3. अब इससे ही हम किसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की. साइन की वैल्यू क्या थी, 1k इज इक्वल्स टू 1 × 1/3, मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3. ओके, और सॉरी वो गलती से हो गया, और कॉस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2√2 के. ओके, सो 2√2 × k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 × 1 क्या हो जाएगा, अगेन 2√2, और नीचे क्या आ जाएगा, 3. तो ये आ गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू. इज आप लोगों को ये वीडियो क्लियर है, अगर क्लियर होगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग गाइस. दोस्तों के साथ करो, कोई और होगा तो किसी और के साथ भी कर लो, शायद कोई इम्प्रेस हो जाए. कमेंट भी कर दो, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क पूरा करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. चैनल पे नए होंगे तो दी विथ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सरसाइज आपके लिए लाने वाली हूँ। इसके बाद कौन सा चैप्टर लेना है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, फिर मैं उस हिसाब से वो चैप्टर आपका लेना स्टार्ट कर दूंगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।